नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे आईसीआई लिमिटेड के बारे में। शुक्रवार दिन इसमें ना 1.32% का गिरावट देखने को मिल रहा है, मगर ट्रेंड जो अभी है ना मार्केट का वो पॉजिटिव है और हमको और भी इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। नेगेटिव कब मिल सकता है वो भी मैं इस वीडियो में आपको पूरा तरीके से बताऊंगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए फ्री है, हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो पहले चीज़ एक एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये ना एक सपोर्ट लेवल है 36 का, बराबर। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू अपसाइड गया है और हायर हाई पैटर्न बनाया है। लास्ट लास्ट में इनका Q4 का रिजल्ट आया था, जिसमें ना इनको कम से कम 5 साल के बाद में पहली बार इस क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ। तो ये भी एक सेंटिमेंट है जहाँ से मार्केट को ना पॉजिटिवनेस देखने को मिला और मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया और अपसाइड लेके गया। तो अभी इसमें रिटर्न का पहले बात कर लेते हैं। रिटर्न देखिए, यहाँ पे 78% का रिटर्न दिया। 78% रिटर्न देने के बाद में थोड़ा सा गिरावट, जैसे हर बार इसने दिया, यहाँ पे अपसाइड थोड़ा डाउन, फिर हायर हाई बनाते गया, फिर अभी जो अपसाइड जा रहा है वो भी डाउन जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जाकर फिर दोबारा हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 64.50 का रहेगा, दूसरा टारगेट जो रहेगा 72 रुपीज़ तक का हमको अपसाइड देखने को मिल सकता है। अभी एक डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। NSE पे देखिए, NSE पे डिलीवरी बेसिस कितना हुआ है, 41% का डिलीवरी बेसिस है, और यहाँ पे बाइंग पोजिशन कितना बना था, 32,824 क्वान्टिटी ऑफ शेयर्स की ना एक तरह से बाइंग पोजिशन बनी है, जो कि मंडे के दिन इसको अपसाइड ले जाने का काम करेगा। तो हर जगह से सेंटीमेंट अच्छा है। अभी जो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तो 57 से एक रेस्पेक्ट करके फिर हमको दोबारा अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तब आप समझना यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तब तक ये लेवल को होल्ड कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, तब तक मूवमेंट इसमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो सारे कंडीशंस मैंने आपको बताए। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।